गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जतिन होटल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं आइटन ग्रैंड न्यूज का फेसलिफ्ट। जी हाँ, ये 2023 फेसलिफ्ट वर्जन है आइटन ग्रैंड न्यूज का और ये मैग्ना वेरिएंट है, यानी सेकंड बेस वेरिएंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइटन ग्रैंड न्यूज में 1200 cc का इंजन है जो 84 bhp की पावर और 114 का टॉर्क देता है। इसकी जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में 21 किलोमीटर की। अगर हम सीएनजी बात करें तो वहां इसकी पावर घट जाएगी जो कि 68 bhp की हो जाएगी और टॉर्क 95 का हो जाएगा, लेकिन माइलेज जो होगी वो दोस्तों वो 28 की हो जाएगी। फ्रंट से बात करें तो दोस्तों नॉर्मल हेलोजन लैंप आएंगे विद टर्न इंडिकेटर। नीचे बात करें दोस्तों रेडिएटर पर ब्लैक कलर की ग्रिल दे रखी है और साइड में डे टाइम रनिंग लाइट है। फॉग लाइट नहीं मिलेंगे आपको, इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ऊपर का वेरिएंट लेना पड़ेगा, यानी स्पोर्ट्स और एस्टा। फ्लेंडर में टर्न इंडिकेटर दे रखा है दोस्तों, मिरर पे नहीं मिलेंगे, इसके लिए भी आपको ऊपर का वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। फ्रंट से बात करें दोस्तों तो आपको कुछ कुछ सेंट्रो की याद दिलाएगी जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बैक प्रोफाइल में भी काफी चेंज हो रहे दोस्तों, खासकर ये जो कनेक्टेड लाइट है ये इसके लुक को बहुत शार्प बना रही है, बेहतरीन बना रही है। एलईडी टेल लैंप है दोस्तों विद टर्न इंडिकेटर। नीचे बम्पर पर दो पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, 4 होने चाहिए थे भाई, ये कॉस्ट कटिंग होगी। साथ में 2 रिफ्लेक्टर। अगर आप रियर की बात करें तो आपको डिफॉगर नहीं मिलेंगे, ना ही रियर वाइपर मिलेगा। यार डिफॉगर तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया कंपनी ने। इसके अलावा आपको FM का एंटीना भी मिलेगा। लुक यार काफी अच्छा लग रहा है मुझे, लग रहा है कि हाँ हुंडई ने इस पे काम किया है। टायर साइज की बात करें दोस्तों 165/70 R14 टायर साइज है इनका, जो कि स्टील रिम के साथ है। ऊपर के वेरिएंट लेंगे आप तो आपको वहां एलॉय व्हील मिलेगा विद 15 इंच। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें दोस्तों 37 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसकी जो दोस्तों ग्राउंड क्लीयरेंस है यार वो 165 mm की है। और साथ में अगर हम इसकी दोस्तों अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 3815 mm की है, विड्थ 1680 mm की है, हाइट 1520 mm की है और व्हील बेस है दोस्तों वो 2450 mm का है। अगर डायमेंशन की बात करें दोस्तों कोई कुछ भी चेंज नहीं है, सेम पुराने जैसा ही है, बस फ्रंट का और रियर लुक इन्होंने चेंज कर दिया है, बाकी अंदर देखेंगे क्या क्या लुक चेंज हुआ है। बूट स्पेस की बात करें दोस्तों इसके बूट स्पेस 260 लीटर का है और रियर सीट रिक्लाइनर भी है और फोल्डेबल भी है। 60/40 का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दोस्तों फ्रंट के डैशबोर्ड की बात करें तो वही पुराने वाला ही है, मुझे तो कोई खास चेंज नजर नहीं आ रहा। ड्यूल टोन है, हाँ प्लास्टिक जरूर हार्ड है, लेकिन पहले भी यार प्लास्टिक ठीक था, हार्ड था। हालांकि इसकी इसको 2 स्टार मिले हुए सेफ्टी रेटिंग में। रियर की बात करें दोस्तों तो रियर में AC दे रखा है और नीचे 12 वॉट का सॉकेट चार्जर दे रखा है, ये अच्छा है यार, ये होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों फिक्स हेडरेस्ट है और कोई आर्मरेस्ट नहीं है, साथ में दोनों डोरों पर ग्रैप हैंडल भी दे रखा है। तो साइड रियर में भी कोई खास चेंज नहीं है दोस्तों, रियर ऐसी पहली बात था। फ्रंट्स में बात करें तो दोस्तों इसमें डी कट स्टेयरिंग नहीं है, लेकिन माउंटेन कंट्रोल मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम के, साथ में टैपोमीटर के भी कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। चारों के चारों पावर विंडो है दोस्तों और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर है, लेकिन फोल्डेबल नहीं है, वो आपको हाथ से करने पड़ेंगे। नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम दे रखा है दोस्तों, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, ऑक्स कनेक्टिविटी के साथ आता है और USB कनेक्टिविटी के साथ आता है। साथ में कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है नॉर्मल इसमें, लेकिन साथ में ये इको कोटिंग के साथ आता है। 5 गियरबॉक्स के साथ आता है इसका गियरबॉक्स और 2 कप होल्डर भी दे रखे हैं। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट में देखे तो राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाएगा। तो ये था आइटन ग्रैंड न्यूज का डिटेल रिव्यू। जी हाँ, अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो इसका सीधा कंपटीशन स्विफ्ट के साथ और मैग्ना का कंपटीशन स्विफ्ट के VXI के साथ है। अगर इसके एक्स शोरूम की बात करें दोस्तों ये आपको 6,61,000 रुपया पड़ेगा एक्स शोरूम, जबकि स्विफ्ट का VXI वेरिएंट आपको 6,91,000 का पड़ेगा, यानी ये 30,000 उससे सस्ती है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है इसका डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।